कृति सनन ने बिदिप्ता को पहनाया ताज तो निकले देबो स्मिता के आंसू, उड़ गए देबो स्मिता के होश। लेकिन आखिर क्यों कृति सनन ने पहनाया है ताज बिदिप्ता को, क्या डिटेल्स निकलकर सामने आ रही हैं, बताएंगे आपको यहाँ पर हम टीवी तमाशा के इस खास रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका टीवी तमाशा पर। और यहाँ आपको बता दें कि इंडियन आइडल 13 पर इस हफ्ते गेस्ट के तौर पर आ रही हैं कृति सनन और कार्तिक आर्यन अपनी अपकमिंग फिल्म शहजादा को प्रमोट करने के लिए। ये दोनों यहाँ धमाकेदार एंट्री मारने वाले हैं। टॉप 8 कंटेस्टेंट्स इस वक्त जो इंडियन आइडल में हैं उनके साथ स्पेशल एपिसोड होगा, गर्ल्स वर्सेस बॉयज की थीम होगी और कुछ फन सिंगिंग चैलेंज भी होंगे इस थीम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर बिदिप्ता चक्रवर्ती जो हैं वो ऐसा लगता है इस गाने पर परफॉर्म करेंगी रिफ्यूजी फिल्म से, और उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी, इतना अच्छा वो गाएंगी कि उनकी परफॉर्मेंस को सराहते हुए कृति सनन कहेंगी कि खूब भालो, एकदम मिष्टी दोही वाला परफॉर्मेंस था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया आपको इस तरह से गाते हुए देखना, और जिस तरह से हाई पिच के गाने को आपने इतना स्मूथली गाया ना, ये बहुत अच्छा मुझे लगा बिदिप्ता, ये कहेंगी कृति सनन। सिर्फ यही नहीं, कृति जो है वो यहाँ पर एक क्राउन भी बिदिप्ता को पहनाएंगी और कहेंगी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपकी सिंगिंग भी इस क्राउन को डिज़र्व करती है, आपकी खूबसूरती भी इस क्राउन को डिज़र्व करती है, इसीलिए मैं ये क्राउन यहाँ पर आपको पहना रही हूँ, ऐसा करती हुई नज़र आने वाली हैं कृति सनन। और जाहिर सी बात है जब वो ऐसा करेंगी तो देबो स्मिता कहीं ना कहीं हैरान परेशान हो जाएंगी, क्योंकि देबो स्मिता को अपने लिए लगेगा थोड़ा सा यहाँ पर बुरा, ऐसी खबरें आ रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।